अब मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, CRDI जितने भी इंजन हैं वो सब क्या हैं, टर्बो चार्ज्ड एंड इंटर कूल्ड। टर्बो चार्जर भी है और इंटरकूलर भी है। इंटरकूलर किस लिए है कि वो जो हवा है कंप्रेस हो रही है तो उसका तापमान बढ़ जा रहा है। जब वो हवा गर्म हवा चली जाएगी, आवश्यकता से अधिक गर्म हवा जाएगी, तो वह इंजन के तापमान में भी वृद्धि करेगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि कंबशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, कंबशन से आने वाली आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए, सूट पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर्स, NOx और HC अनबर्नड हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन के लिए यह ज़रूरी है कि कंबशन की प्रक्रिया को बिल्कुल कंट्रोल किया जाए। ठीक है, किसी भी ये डीजल इंजन का बना रहे हैं PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एक इंजन सिलेंडर है, ये TDC है, ये उसकी BDC है। जब सक्शन हो रहा है, सक्शन के टाइम पर क्या हो रहा है, शुद्ध हवा, साफ हवा इंजन सिलेंडर के अंदर आ रही है। ठीक है, अब कंप्रेशन में यह कंप्रेस हो रही है। यह गैस कंप्रेस हुई कुछ डिग्री बिफोर TDC, इसको फ्यूल स्प्रे हुआ और यह जलने लगी कांस्टेंट प्रेशर पर, और यहाँ पर पावर स्ट्रोक मिली और ये वापस पावर स्ट्रोक मिली, तो फिर ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गई। मिल गई, ये चीज़ समझ में आ गई। ये सक्शन नीली वाली, ये कंप्रेशन, यह है कंबशन। और यह है एक्सपेंशन या पावर, इंजन के परिप्रेक्ष्य में इसको बोल देते पावर स्ट्रोक, बट यह क्या है, एक्सपेंशन एडियाबेटिक। और फिर यह अगले चक्कर में बाहर 180 डिग्री से भी बढ़ा के इसको खोल के रखा, अंदर चली गई। अब यहाँ पर तो ये क्या मिला हमें, पावर मिल गई। ठीक है, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर है A। अब जो ऊर्जा ये गई, ये A, ये B और ये C, ये जो A है ये पावर हमें मिली। क्रैंकशाफ्ट पर इफेक्टिव पावर कितनी मिली, हीट से कितनी मिलती है, तुम फिर वो तीस से 40%। और एग्जॉस्ट गैसों में लगभग कितनी ऊष्मा चली जाती है, अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले, कितना, 30%। और जो बाकी जो सक्शन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है और एग्जॉस्ट हो रही है, हो रहा है, उसमें ख़त्म होने वाली ऊर्जा है ये C। ठीक है,
तो जो ये 30% ऊर्जा बाहर जा रही है व्यर्थ की, इसमें ये वाली ऊर्जा भी है जो पिस्टन ने इसको धकेला, तो लगभग थ्योरेटिकली ये 40 से 50% एक्स्ट्रा ऊर्जा हो गई। ये जो गैस जा रही है इसके प्रेशर से, टर्बोचार्जर में एक शाफ्ट है, इसके बाहर से हाउसिंग भी लगी है, वो बना देने से फिर तुम कोई भी शाफ्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए उस पर पड़ने वाले बलों को सहन करने के लिए क्या यूज होता है? बियरिंग। बियरिंग क्या करते हैं? किसी भी शाफ्ट को सेंट्रलाइज करते हैं, उसको एक घूमने के लिए अक्ष प्रदान करते हैं ताकि ये शाफ्ट इस पर ईजीली रोटेट हो सके, और उस पर पड़ने वाले बलों को भी वह सहन कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जॉस्ट गैसों के साथ 30% ऑफ टोटल हीट जनरेटेड, यदि इंजन सिलेंडर के अंदर 1300 डिग्री का तापमान हुआ, उसका 30% गर्मी जा रही है, कहां पड़ रही है? इस टरबाइन पर। तो ये जो टरबाइन होती है यह विशेष मटेरियल की बनाई जाती है, और इसकी जो रोटेशन होती है वह लगभग 80,000 आरपीएम पर चलता है। 80,000 से 1,00,000 आरपीएम, तो इतने आरपीएम पर उसमें घर्षण भी हो रहा है, और यह एग्जॉस्ट गैसों की गर्मी भी इस मेटल में ट्रांसफर हो रही है। यह सब कंडक्टर मटेरियल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब ऊष्मा जितनी यहां पर है तो वो ट्रांसफर भी हो रही है इस तरफ को, पूरे में फैल रही है। इसके लिए जरूरी है, इसके लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें फ्रेश ऑयल आता है सीधे ऑयल सम्प से, तो ऑयल लीक ना हो उसके लिए ऑयल सीलें भी होती हैं। इस पर अलग से टर्बोचार्जर खोल के फिर उस पर बाद में हो गई। अभी थ्योरेटिकली ये कैसे काम करता है, जब इस पर गर्म गैसें टकराती हैं तो वह इसे लगभग 80,000 आरपीएम पर घुमा देती हैं। एक मिनट में ये 80,000 चक्कर लगा ले रहा है, बताओ किस स्पीड से चल रहा। इसी शाफ्ट के साथ इधर लगी हुई एक कंप्रेसर टरबाइन है, या इसको इंपेलर बोल दो। ये इंपेलर क्या कर रहा है कि इनलेट पाइप से हवा को खींच रहा है और कंप्रेस करके फिर उसको टर्बो इंटरकूलर में डाल के ठंडा करके फिर से इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में ले आ रहा है। तो ये जो पावर वेस्ट हो रही थी इसका प्रयोग हो गया टर्बो में। इससे ये पेट्रोल इंजनों के लिए टर्बोचार्ज, हर पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज नहीं होता है क्योंकि उसमें एयर और फ्यूल का मिश्रण होता है। टर्बोचार्ज के लिए फिर उसका पेट्रोल इंजनों का कंप्रेशन रेशियो कम करना पड़ेगा। डीजल में यह बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि 30% पावर बढ़ जाती है जी, 30% से 40% मोर एयर। और जो एयर का प्रेशर है, जिस हिसाब जो प्रेशर से ये कंप्रेस कर रहा है, वह है करीब 50 किलो पास्कल। अच्छा बहुत आसान, 50 किलो पास्कल उस गैस को ये कंप्रेस कर रहा है। इसलिए इंटरकूलर जरूरी है। इंटरकूलर एक तो इस कंप्रेशन प्रेशर के कारण जरूरी है। जब तुमसे इंजन की कैलकुलेशन कराई थी क्या बोला था, जब 7 किलो पास्कल दाब बढ़ने से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब ये असाइनमेंट लिखो, अभी करके बताओगे मेरे को कि जब 50 किलो पास्कल तापमान बढ़ेगा तो हवा के टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। 7 किलो पास्कल जब तापमान दाब बढ़ता है तो तापमान में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। ये 50 किलो पास्कल से कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस्ड एयरों का टेम्परेचर पता करो। ठीक है, उसको जोड़ोगे फिर
वो जो कंप्रेशन टेम्परेचर है उसके साथ, तब निकलेगा टोटल कंप्रेशन टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया, तब उसके लिए इंटरकूलर रिक्वायर्ड है। और इंटरकूलर रिक्वायर्ड किस लिए है, क्योंकि जो EGR हो रहा है, EGR वाल्व भी उनको ट्रैप कर दे रहा है, जो अनबर्नड हाइड्रोकार्बन है उसने उनको पकड़ के रास्ता भटका दिया, EGR वाल्व खुल गया, वो एग्जॉस्ट होने के बजाय वो फिर से इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ टर्न हो गए, वो अभी ठंडे होके आए इंटरकूलर से, और ठंडे हुए तो वो कुछ वहाँ जम गए, इसलिए टाइम टू टाइम इंटरकूलर की सफाई मांगता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें मैंने पिछले वाले लेसन में डिस्चार्ज कर्व लिखा था, डिस्चार्ज कर्व, कर्व का मतलब है कि उसमें कितनी, ये सब ग्राफिकल लैंग्वेज में है, तो ये बूट है, ये रैंप है, ये स्क्वायर है, ये डिस्चार्ज कर्व है। इसका मतलब है लो पल्स विड्थ या लोवेस्ट पल्स विड्थ कह दो इसके, यहाँ के परिपेक्ष में 80 वोल्ट पायलट इंजेक्शन, पायलट इंजेक्शन के लिए थोड़ी सी मात्रा फ्यूल की इंजेक्ट की गई है, और इंजेक्टर को दी जाने वाली पल्स विड्थ 60 वोल्ट है, मान लिया, एक मोटा मोटी बता रहा हूं मैं, ये 60 वोल्ट भी हो सकती है, 80 वोल्ट भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एज पर सिस्टम, वो मैन्युफैक्चरर का हिसाब है। ये मैं तुम्हें यहां समझाने के लिए कह रहा हूं कि सोलेनाइट को जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो स्पिंडल उतना ही उठेगा। अब हो सकता है वो बढ़िया वाला सिस्टम हो तो उसको और भी कम वोल्टेज रिक्वायर्ड हो, ठीक है, इससे ज़्यादा देना है तो ये रैम पैटर्न है, यहाँ पर 100 से 120 वोल्ट, फ्यूल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, पायलट से थोड़ा ज़्यादा, ये बता रहा है, इसका पैटर्न बता रहा है, ठीक है। ये मेन इंजेक्शन है स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इसको ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, से 240 वोल्ट, यहाँ पर ये मेन इंजेक्शन है इसके बाद वाला, जो बिल्कुल पिस्टन टीडीसी पर पहुँच चुका है तब होना है, ठीक है। अब अगर इसको इसी तरह के ग्राफ में बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये एक पायलट हो सकता है, और आवाज़ कम करनी, दो पायलट, तीसरा मेन, वन ले पोस्ट इंजेक्शन एंड वन रिटार्डेड पोस्ट इंजेक्शन। एक पायलट, पायलट इंजेक्शन, दूसरे वाले को प्री इंजेक्शन बोल दो, तीसरा वाला मेन इंजेक्शन, चौथा वाला अभी लिखा था मैंने 6 डिग्री आफ्टर BDC से लेकर 14 डिग्री आफ्टर BDC तक, और जब ज़्यादा है तो, ज़्यादा फुल लोड पे है तो 34 to 45 डिग्री आफ्टर TDC तक, ये वाला, और लेट वाला जो 180 के बाद होता है, लेट पोस्ट रिटार्डेशन, रिटार्डेड पोस्ट इंजेक्शन, रिटार्ड और रिटायर बोल देते बहुत सारे लोग, रिटायर नहीं, रिटायर होता है सेवा से निवृत्त करना, रिटायर करना, रिटार्ड लेट करना, एक होता है एडवांस जो पहले करना, इग्निशन एडवांस एंड इग्निशन रिटार्ड, एक या इंजेक्शन एडवांस एंड इंजेक्शन रिटार्ड, जो फुल लोड पे इंजेक्शन 15 डिग्री से 20 डिग्री पहले हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है,
और ये जो 180 डिग्री के बाद हो रहा है ये क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। समझ में आ गई? रिटायर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रिटार्ड। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शनों में का प्रयोग करने से, एक हाई प्रेशर एक्यूमुलेटर लगा देने से, हाई प्रेशर पंप और प्रेसाइज पूरा सिस्टम को बहुत ही यथार्थ बना के वायुमंडलीय प्रदूषण को पूरी तरह से कम करने की कोशिश की गई है। अब जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बनते ही बनते हैं, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। बाय प्रोडक्ट ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि सल्फर कंटेंट बिल्कुल भी ना हो फ्यूल के अंदर। पर जब सल्फर कंटेंट इसलिए ज़रूरी है फ्यूल की ऑटोमाइजेशन के लिए, जैसे फ्यूल पॉलिसी, जैसे जैसे ये एनवायरमेंटल लॉज यानी जो एक्ट हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA अमेरिका में चलता है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अनुसार डीजल में 15 पार्ट पर मिलियन इतनी ही सल्फर मिलाई जा सकती है। एक मिलियन में कितने हो गए? 10 लाख। यदि 10 लाख डीजल के अणु हैं तो उसमें सिर्फ 15 ही पार्ट सल्फर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो उनका एक्ट है, उनकी रिफाइनरीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है भारत में इतना ना हो। मैंने कहीं देखा था अभी भी 0.1% सल्फर यूज हो रहा है। ये सल्फर क्या करता है? ये सल्फर कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ को कम कर देता है, पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम में उसको क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, इसलिए जो फ्यूल यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए, तभी जाकर पूरी तरह से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, जीरो इमिशन व्हीकल बनाए जा सकते हैं। इसीलिए दिन प्रतिदिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D होते 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 ई व्हीकल्स आए। ई व्हीकल्स के लिए भी फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना नहीं बना हुआ है, बैटरी का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ट्रांसमिशन है, काफ़ी चीज़ें चाहिए, उतने के लिए भी मार्केट तैयार नहीं है। हो रहा है, धीरे धीरे ये कार्य होगा। फिर वो बैटरी का डिस्पोज ऑफ करना, उसको रिसाइकल करना, वो भी एक बिग प्रॉब्लम है। समझ में आ रही बात? तो और एक नई टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल व्हीकल, CNG का प्रयोग हुआ, फिर LNG का प्रयोग हुआ, अब ई व्हीकल भी है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी है। LPG से भी वाहन चल रहे हैं, CNG से भी चल रहे हैं, LNG से भी चल रहे हैं, ई व्हीकल भी चल रहे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी हैं। तुम्हें अपने आप को इतना अपडेट करना है, बेसिक का भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पुराने इंजन किस टाइप के थे, उनमें क्या क्या कमियां थी जो नए जनरेशन में, जो नए में फिर उसमें सुधार किया गया, फिर उनमें भी क्या क्या कमियां रह गई कि नई नई चीज़ों का आविष्कार होता चला गया। सारी चीज़ें एट ए टाइम एक ही क्लास में नहीं हो सकती, उस पर फिर हम बात करेंगे। इतनी बात तुम्हारी मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैनी थैंक्स टू डॉक्टर कृपाल सिंह जी, माय ऑल गुरुज, एंड मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।